अस्सलाम वालेकुम। असी बोलन डे आं नूरी दे किचन चो। असी अज शकरगंज उबालनी तुहानू दसांगे। कुछ लोग जिहड़े हुंदे ने शकरगंज उबालदे ने ते विच पानी पा लैंदे ने शकरगंज दे, उह शकरगंज दा जिहड़ा ना उह मज़ा नहीं आउंदा, मिठी नहीं रहिंदी। ऐ वेख लो शकरगंज 2-2.5 किलो साढ़े कोल शकरगंज ही, असां धो धो के साफ कर लईए। साफ करन तो बाद असी इहनू बर्तन 'च रखांगे। इंज असी शकरगंज नू बर्तन दे विच रख लवांगे। तो घट चूल्हा करके जिमें दम लाई चीज़ में इंज घट चूल्हा करके बिल्कुल असी चीज़ इनू शकरगंदी नू दम ला देवे। ये अपनी भाप के ही इन्हें हम दम जाना आए। माशाल्लाह शकरगंद साड़ी गल गई है। वेख सकते हो छिलका अपने आप उतर दे रहा। बड़ी सोहनी शकरगंदी गल गई है। इनू हुण असी मसाला लावांगे छिल के, तो फिर असी मसाला ला के फिर तुहानू खाने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शकरगंदी ते पाउण वास्ते असी खटियाई जिहड़ी है ना उह असी बनाउण लगे हाँ, जिदे च एक प्याली साढ़े कोल इमली दा रस है। एक चम्मच अमचूर दा, एक चम्मच काला नमक है, एक चम्मच चाट मसाला है, तो एक चम्मच कुटियां लाल मिर्चा ने, अद्धा चम्मच तो भी थोड़ी टाटरी है, तो एक चम्मच साढ़े कोल चीनी दा। ये सारी चीज़ा ये पा देवे। ऐनी शकरगंदी असी पीस बना लवांगे। माशाल्लाह चटनी साड़ी बन गई है। ज़्यादा तो ज़्यादा 4 या 5 मिनट लगते हैं बस बना लगे। चटनी साड़ी माशाल्लाह ठंडी हो गई है, तो इंज हूँ असी शकरगंदी के उत्ते पा लवांगे। ये हूँ कोई मिर्च चाट मसाला या कोई चीज़ पाने की जरूरत नहीं, सारिया चीज़ा चटनी के पाइया ने, तो बड़ा मज़ा आता। बड़ी जल्दी बन जाती है, जिमें बाहर रेहड़िया के उत्ते बना के वेचते हैं उंजी। ये भी यदा भी जायका वो अच्छा है, तो तुम बनाओ तो ट्राई करो। तो जो साड़ी रैसपी थोड़ा पसंद आए ना साढ़े चैनल ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक करो, इंज फड़ो तो खाओ। लो जी, जो साड़ी रेसिपी तुहानू पसंद आए तो साड़े चैनल ज़्यादा तो ज़्यादा सबसक्राइब करो, ताकि साड़ी नवी आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।